वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जितने भी लोग हैं बिल्कुल नाइनटी नाइन पॉइंट यू नो परसेंट द रीजन बिहाइंडीएनए आज हम उसी इंटरेस्टिंग टॉपिक डीएनए के बारे में बात करने वाले हैं कि उसको डिस्कवर कैसे किया गया था ठीक है so, सो मैं डॉक्टर दक्षा आज आपको बताने वाली हूं कि हाउ वी डिस्कवर द डीएनए एंड देन विल कंटिन्यू द मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन द फ्रिक्शन ओके सो so, पहला क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है देखो न्यूक्लिक और एसिड दो टर्म्स है न्यूक्लिक का मतलब है यहां पर न्यूक्लियस से लिया गया है सो so, ये केमिकल मॉलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियस के अंदर मिलता है न्यूक्लियस के अंदर मिलने की वजह से हमने इसको बोला न्यूक्लिक ठीक है नेचर में ये होता है एसिडिक और एसिडिक होने की वजह से इसको बोला हमने न्यूक्लिक एसिड अब क्वेश्चन आता है कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो वो बनता है तीन चीजों से शुगर की से ये एसिडिक नेचर को लेता है अब वहां पर बेसिक नेचर क्यों नहीं लेता जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे वहां पर आई एल एक्सप्लेन दैट देन सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास कि न्यूक्लिक एसिड होते कितनी तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं दो तरह के डीएनए और आरएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड फंक्शन क्या होगा इन न्यूक्लिक एसिड का सबसे बेसिक फंक्शन जो डीएनए का होता है वो ये कि हमारी बॉडी जो होती है पूरी वो प्रोटीन से मिलकर बनी है उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ हमारे बालों की तो वो एक कैरेटिन प्रोटीन है अगर मैं बात करती हूँ अपनी स्किन की तो वो भी एक प्रोटीन है हमारी मसल्स एक्टिन एंड मायोसिन से मिलकर बनी हुई हैं वो भी एक प्रोटीन है सो so, अगर मैं बात करूँ हमारे मुंह के अंदर मिलने वाले स्लाइवा की यानी कि वो एक एंजाइम है वो एंजाइम भी क्या है एक प्रोटीन है सो एवरी थिंग इज मोस्टली प्रोटीन अब वो प्रोटीन किससे बनेगी उस प्रोटीन को बनने की सारी इंफॉर्मेशन कैरी करता है डी और वो डी पहले बनाएगा आर और आर से बनेगा प्रोटीन सो बेसिकली आपके बॉडी के किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है आरएनए और प्रोटीन जो बनते हैं डीएनए के थ्रू और दूसरा हम हमारे पेरेंट्स के साथ बिल्कुल सिमिलरिटी शो करते हैं वो सिमिलरिटीज किसकी वजह से हैं हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स की वजह से उन कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करने का काम कौन करता है वो काम भी न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए ही करता है अब डीएनए को डिस्कवर कैसे किया देखिए इसके पीछे की स्टोरी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फेडरिक मिशर फेडरिक मिशन ने क्या किया कि लोकल हॉस्पिटल्स के अंदर से जितनी भी पस बैंडेजेस थी वो उन सब बैंडेजेस को लेकर आ गए कलेक्ट किया कलेक्ट करने के बाद उन्होंने उसको सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ वॉश किया और वॉश करने के बाद उन्होंने उसमें ऐड किया वीक एल्केलाइन सॉल्यूशन अब जब उन्होंने उसमें वीक एल्केलाइन सॉल्यूशन को ऐड किया तो क्या हुआ कि पस सेल्स के अंदर का जो न्यूक्लियस था वो न्यूक्लियाई लाइज हो गया यानी कि ब्रेक डाउन हो गया अब ब्रेकडाउन होने के बाद वहां पर से उस न्यूक्लियाई के सब्सटेंसेस का हो गया प्रेसिपिटेशन तो उन्होंने उस प्रेसिपिटेटिव सब्सट्रेट को जो भी उसके अंदर से निकला उसको एक टर्म दे दी दैट इज न्यूक्लिन इस तरह से उन्होंने न्यूक्लिन को डिस्कवर किया अब न्यूक्लिन को डिस्कवर करने के बाद क्या हुआ कि 1900 तक हम ये मानते थे कि जो ये न्यूक्लिन है ना ये एक मिक्सचर है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स का यानी कि जो भी चीज़ें न्यूक्लिक एसिड यानी कि इनहेरिट हो रहा है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड दोनों की वजह से हो रहा है लेकिन थोड़े टाइम के बाद पता लगा कि ऐसा नहीं है तो न्यूक्लिन को नाम दिया गया न्यूक्लिक एसिड का पता लगा कि वो दो तरह का है दैट इज डी एन एन आर अब उन्होंने एक चीज़ और इस टाइम पर रिकग्नाइज की कि जो ये डीएनए था ये प्रो सेल्स में और यू सेल्स में अलग अलग तरह का मिलता था प्रोकैरिटिक सेल में जो है डीएनए वो डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन सर्कुलर फॉर्म में मिलता है वहीं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए मिलता है वो डबल स्ट्रैंडेड है लेकिन लीनियर फॉर्म में है प्रोकैरिटिक सेल में ये जो डीएनए होता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है लेकिन वहीं जब बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की तो वहाँ पर ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये या ये डीएनए होता है इसकी एक लोकेशन फिक्स होती है ये मिलता है हमें न्यूक्लियस के अंदर सो so, सारी इंफॉर्मेशन जो होती है न्यूक्लिक एसिड की वो किस जगह पर मिलती है हमें न्यूक्लियस के अंदर मिलती है होप आप लोगों को डिस्कवरी समझ में आई होगी कि ये इतना इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल कैसे डिस्कवर किया गया था सो so, हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहां हम इसके बारे में आगे के प्रोसेसिस जानेंगे कि इसको इनहेरिट कैसे किया गया कि ये इनहेरिटेंस करता है ये चीज कैसे डिस्कवर की गई फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे देन सो ऑन हम बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे अबाउट डीएनए. टिल देन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है आप फ्रीली हमारी ऐप पर जाकर ट्यूटर्स से पूछ सकते हैं और हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में टेल देन बाय